आंखें बंद कर लें और देखें, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ये शरीर मेरे से भिन्न, ये राग द्वेष मेरे से भिन्न, ये संकल्प विकल्प मेरे से भिन्न। मैं मात्र जानने वाला चेतन, अब मेरे घर में, मेरे परिवार में जो मेरे को सबसे प्रिय है वो अपने मन में लेके आए। वो हो सकता है आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, माँ हो, भाई हो, जो भी हो, लेके आए, लेके आए। और देखें, कल्पना में उसका शरीर, वो शरीर अलग है, उसकी आत्मा अलग है। जैसे मेरी आत्मा है, एकदम उसकी वैसी ही आत्मा है। मेरी सत्ता अनादि अनंत है और उसकी सत्ता भी अनादि अनंत है। मैं भी ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, वो भी ज्ञायक स्वभाव वाला है। स्वभाव की अपेक्षा मेरे में और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब अपने घर के अन्य मेंबर्स को भी चिंतन में लाएं। उसमें हो सकता है आपको किसी के प्रति थोड़ा सा राग ज्यादा हो, किसी के प्रति राग थोड़ा कम हो, किसी की कुछ बातों के लिए द्वेष हो। उन सब जीवों को भी देह से अलग देखें। आगम चक्षु से देखें, उनकी आत्मा भी एकदम मेरे जैसी है। उनके अंदर जो गंदी आदतें, गलत आदतें हैं, वो सब कर्म जनित हैं। वो आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। उनके अंदर जो पुरुषपना, स्त्रीपना, जवानीपना या बच्चापना या बूढ़ापना, वो सब कर्म जनित है। देखिए, आप एक घर में कोई बच्चा हो तो देखिए, जो बच्चा है, इसका जो बच्चापना है, शरीर छोटा है, ये सब कर्म जनित है। वो जो है ज्ञान स्वभावी एकदम मेरे जैसा है। उसकी आत्मा के स्वभाव में बचपना नहीं है, ना बूढ़ापना है, ना कोई शरारतें हैं, ना कोई आदतें हैं, चाहे गलत हो चाहे अच्छी। ऐसे ही आपके घर में कोई वृद्ध बुजुर्ग है, उसके अंदर जो बूढ़ापना है, हो सकता है आपके माँ हो, बाप हो, या जो भी हो, पति हो, पत्नी हो, ये जो इसके अंदर बूढ़ापना है, वो उसकी आत्मा के स्वभाव से अलग है।
अपने घर के सारे मेंबर्स को आत्म रूप में देखें, ये सब आत्मा है, और जो भी उनके अंदर शरीर है वो आत्मा से अलग है, और जो गंदी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनके अंदर क्वालिटीज हैं, वो सब की सब कर्म जनित हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हमारे पूरे समाज में, जिस भी समाज से हम जुड़े हुए हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, जो भी पूरा समाज है, चाहे पूरा जैन समाज समझ लो, पूरे जैन समाज में जितने भी जीव हैं उन सबको देखें, पर्याय दृष्टि से देखें। सबके अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग जगह से रहने वाले हैं, किसी में बहुत अच्छी आदतें हैं, किसी में थोड़ी बुरी आदतें हैं, हर तरह के लोग। ये सब जो दिखाई दे रहा है हमें इंद्रियों से, ये सब का सब विभाव है या शरीर का अंश है? शरीर तो उनसे अलग है ही, और विभाव क्योंकि कर्म जनित है इसलिए वो भी विभाव है, स्वभाव नहीं। और सब अब जीवों का अंतरंग आत्मा के स्वरूप में देखें, पूरा जैन समाज और सारे जीव को केवल आत्म रूप में देखें, एक जैसी आत्मा। एक ही जैसे स्वभाव वाली कोई भी अंतर नहीं। पूरी दुनिया की ओर दृष्टि डालें, पूरी जितनी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वे भोग भूमि के मनुष्य हों, कर्म भूमि के मनुष्य हों, चाहे वो तीर्थंकर हों, कोई शलाका पुरुष हों, महापुरुष हों, या हीन पुरुष हों, गंदे पुरुष हों, सात व्यसनी हों, क्रूर हों, सारे जीवों को देखें, चाहे वो परमाणु बम गिराने वाले हों, चाहे वो नीच नौकर हो, चाहे मालिक हो, सारे मनुष्यों को, दुनिया के मनुष्यों की कल्पना करें 2.5 दीप के अंदर, अनादिकाल से अनंत काल तक, उन सब के अंदर का स्वभाव एक जैसा है, सबको आत्म रूप देखें। आत्मा और कर्मों ने आपस में एक दूसरे से संयोग करके भिन्न भिन्न अवस्थाएं बनाई हुई हैं, मगर स्वभाव से सारी आत्मा एक जैसी है। अब अपना ध्यान और फैला करके पूरे तीन लोक पर लेके जाएं, और तीनों लोगों के अंदर अनंत जीवों को देखें। इसमें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव इस दुनिया के हर जगह पर भरे पड़े हैं। दो इंद्रिय जीव लठ, स्नेल आदि, शंख आदि छोटे छोटे जीव भी बहुत जगहों पर भरे हुए हैं, और तीन इंद्रिय जीव कीड़ी वगैरह, मकोड़े वगैरह भी अनेक जगह पर भरे हुए हैं, चार इंद्रिय जीव मक्खी मच्छर आदि भी अनेक जगह पर भरे हुए हैं, पंचेंद्रिय जीव मनुष्य 2.5 दीप के अंदर हैं, और पंचेंद्रिय संगी त्रियंश और असंगी त्रियंश पूरे मध्य लोक पे नाना जगह पर हैं, नारकी जीव नीचे 7 पृथ्वियों के अंदर 84 लाख बिल हैं वहां पर हैं, और देव लोग
ऊपर विमानों में है, भवनों में है, यंत्रों में है, नीचे चित्रा पृथ्वी के नीचे है, खर भाग में, पंख भाग में। और ज्योतिष देव, तारे, प्रकीर्णक, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि अंतरिक्ष में हैं। ये सारे जीवों की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाएं, देखें सारे जीवों को, और ये सब के सब वास्तविकता में आत्मा है, यायक स्वभाव से युक्त है। अनादि काल से अभी तक इनका स्वभाव खत्म समाप्त नहीं हुआ या बदला भी नहीं, वैसा का वैसा ही स्वभाव है और वैसा ही अनंत काल तक रहेगा। देखिए फीलिंग लाएं, सब मेरे जैसे हैं, ये सारे जीव मेरे जैसे हैं, स्वभाव से मेरे में और इनमें कोई भी अंतर नहीं है। सारे जीव मेरे जैसे, केवल बाहर का जो खोखला है ये शरीर, ये अलग अलग है, या कर्म है वो अलग अलग है, मगर जो मूल जीव का स्वभाव है वो सबका जानन बना है। देखिए सारे जीव दुनिया के एक जैसे, सारे जीव एक जैसे, ये गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।